हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा वीवो V35G फ़ोन है, तो वीवो V35G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में ऑप्शंस आता है कि आप कैसे अपने फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं, अपने वीवो फ़ोन को, और कैसे आप विदाउट बटन फ़ोन को रिबूट कैसे कर पाएंगे वीवो V35G फ़ोन को। तो आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं अपने वीवो फ़ोन में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही आइकन से ओपन हो जाएंगे। तो आप कैसे अपने फ़ोन को रिबूट कैसे कर सकते हैं और बिना बटन्स के रिबूट कैसे कर पाएंगे फ़ोन को, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग से ओपन हो जाएगी। तो आप फ़ोन को कैसे रिबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के, तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, शो हो रही है, तो आपके पास सिस्टम सेटिंग्स आ गई है, जहाँ से आपके पास ऑप्शन आता है बैक करते हुए शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी। तो शॉर्टकट एक्सेसिबिलिटी पे जाकर एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स को ओपन कर लेना, जहाँ से स्लाइड करते हुए आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेसिबिलिटी मेन्यू। तो मेन्यू पे जाते हैं, तो मेन्यू का आप यूज़ करके फ़ोन को आप रिबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के। सिंपली इसको आप जैसे ऑन करते हैं, तो ऑन करते ही शॉर्टकट्स आइकन्स हैं आपके फ़ोन में कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जहाँ से ग्रीन ऑप्शन जिसको मूव आउट कर सकते हैं, इस पर क्लिक करते ही शॉर्टकट आइकन से आ जाएंगे, जिसका आप यूज़ करके फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं। सिंपली आपको पावर बटन्स आइकन्स पे क्लिक करना है। तो पावर बटन आइकन्स पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे जिसमें से रिबूट करना है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, जिससे आपका फ़ोन रिबूट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। और साथ में आप पावर ऑफ भी कर सकते हैं, इमरजेंसी कॉल एंड स्क्रीन को लॉक भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ़ोन को रिबूट कर सकते हैं बिना बटन्स के। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।